लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर में हार्मोन का सही स्तर शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। ये हार्मोन के स्तर में कमी या अधिकता हुई है तो ऐसे में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी शारीरिक संबंध के लिए आवश्यक माना जाता है। ये एक तरह का एंड्रोजन हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है। हार्मोन नसों में माध्यम से कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होता है। ये शरीर को बताता है कि क्या कार्य करना है और कैसे करना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष की प्रजनन क्षमता से जोड़कर देखा जाता है, जबकि महिलाओं को भी बेहद कम स्तर ही जबकि महिलाओं को भी बेहद कम स्तर पर ही लेकिन टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, ऐसे में उनको भी टेस्टोस्टेरोन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जरूरी है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो पहला है मोटापा। अधिकतर महिलाएं आज मोटापे से परेशान हैं। मोटापा और बढ़ते वजन के कारण महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं में शरीर में एक्स्ट्रा फैट हार्मोन के स्तर अनियंत्रित कर सकता है। इससे टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट आ सकती है। एडिपोज टिश्यू टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है। पीसीओएस। आज के दौर में पीसीओएस महिलाओं की एक आम हार्मोनल समस्या बन गया है। इससे महिलाओं को छोटे छोटे सिस्ट हो सकते हैं। पीसीओएस होने पर महिलाओं को अक्सर अनियमित मासिक चक्र, वजन बढ़ना और अत्यधिक बाल उगने के लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस हार्मोन संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे प्रभावित महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है। स्ट्रेस में रहना। आधुनिक लाइफस्टाइल में अक्सर महिलाएं तनाव में रहती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस में कोर्टिसोल का रिलीज होता है, जो टेस्टोस्टेरोन सहित अन्य सामान्य हार्मोन बनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक तनाव हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल यानी HPG पर दबाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में महिलाओं को दिमाग को शांत रखने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए और आराम करना चाहिए। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है हार्मोनल उतार चढ़ाव अधिक हो जाते हैं। ये बदलाव खासकर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान दिखने को मिलते हैं। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में भी धीरे धीरे कमी का अनुभव होता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अंडाशय के द्वारा टेस्टोस्टेरोन सहित अन्य हार्मोन के उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करती है। ऐसे में महिलाओं को थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ तरह की दवाएं महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। यदि महिलाएं लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां सेवन करती हैं तो इससे ओवरी के फंक्शन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आ सकती है। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर अवसाद और कैंसर की दवाओं से हार्मोनल स्तर प्रभावित हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।